क्या कियारा आडवाणी से पहले आलिया भट्ट को डिंपल चीमा का रोल ऑफर हुआ था? आखिर क्यों अपने रूमर्ड एक्स बॉयफ्रेंड सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ काम करने से इनकार कर दिया आलिया भट्ट ने? कियारा आडवाणी ने डिंपल चीमा के किरदार को बहुत ही सिंसियरिटी और सिंप्लिसिटी से निभाया। एंड शेरशाह हैज बिकम वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल फिल्म्स ऑफ 2021। जी हाँ, ग्रेपवाइन की माँ ने तो सिद्धार्थ मल्होत्रा के ऑपोजिट आलिया भट्ट को कास्ट करने की बातें हो रही थी, लेकिन डेट इश्यूज और अपने हेक्टिक शूटिंग स्केड्यूल्स की वजह से आलिया भट्ट ने इस फिल्म में काम करने से इनकार कर दिया। सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड आलिया भट्ट रिपोर्टेडली डेटेड फॉर अ व्हाइल सून आफ्टर देयर डेब्यू, लेकिन दोनों जल्द ही अपने अपने रास्ते चले गए। दे हैव नेवर वर्कड टुगेदर इन अ फिल्म आफ्टर दैट बट रिमेन कॉर्डियल विद ईच अदर। लेकिन अपने एक्स के साथ दोबारा काम करना, वो भी एक रोमांटिक फिल्म में, शायद आलिया भट्ट को थोड़ा ऑकवर्ड लगा होगा। ईदर वे, इस बात का कोई कॉन्फर्मेशन नहीं है कि ये फिल्म पहले आलिया भट्ट को ऑफर हुई थी। शेरशाह की रिलीज के बाद आलिया भट्ट ने फिल्म की खूब तारीफ की थी, कॉलिंग इट अ मस्ट वॉच एंड प्रेजिंग बोथ सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड कियारा आडवाणी परफॉर्मेंसेज इन द फिल्म। Looks like Alia Bhatt and Siddharth Malhotra have indeed moved on. Alia Bhatt ab jaldi Ranbir Kapoor se shaadi karne wali hai, while Kiara Advani and Siddharth Malhotra seem to be very happy together as well. Recently, Kiara Advani ko Siddharth Malhotra ke ghar ke bahar spot kiya gaya tha when she arrived wearing an all-white outfit to spend time with rumored boyfriend. दोनों को न्यू ईयर से पहले एक साथ मुंबई से निकलते हुए एयरपोर्ट पे स्पॉट भी किया गया था, बट दे डिडंट शेयर एनी पिक्चर्स टुगेदर ऑन सोशल मीडिया। कियारा आडवाणी वाज परफेक्ट एज डिंपल चीमा एंड वी कांट इमेजिन शेरशाह विदाउट हर। सो अगर मगर शायद को भूल जाने में ही समझदारी है। आ जाओ मैम, आ जाओ ना, मैडम प्लीज, मैडम आ जाओ। थैंक यू। अरे सीधा थे, सीधा। शांति 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 रहो।